देखिए गेंदे की पनीरी जो है वो हम लेकर आए हैं। ये तीन तरह के कलर हैं इसमें, गोल्डन कलर है और येलो है और एक ऑरेंज कलर है। छोटी छोटी पनीरी है, पहले हम इनको छोटे पॉट्स में लगाएंगे, जैसे कि 4 इंच का पॉट या 5 इंच का पॉट है जो, उनमें लगाएंगे। फिर जब बड़े हो जाएंगे तब फिर हम इनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। अब इन जो छोटे गमले हैं, ये पौध है, हम इनको छोटे गमलों में, ऐसे गमलों में शिफ्ट करेंगे। पहले तो लगाएंगे, बस ऐसे निकालना है और ऐसे लगा देना है। और थोड़ी थोड़ी सी खाद है जो वो हम डालेंगे, 3-4 दिन के बाद डालेंगे इनमें। अभी खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी इनकी जब ग्रोथ हो जाएगी तब डालेंगे। थोड़ा सा ऐसे ना नीचे से टैप टैप करके पूरी ये बाहर आ जाती है ऐसे, और ऐसे दबाकर मिट्टी को ऐसे इसको लगा देना है और पानी डाल देना है। फिलहाल कुछ नहीं करना है अभी। सभी पौधे हमने लगा दिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इनमें लगा देंगे और फिर कल देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो डालेंगे, नहीं तो फिर मौसम आज लग ही रहा है थोड़ा सा ख़राब सा, हो सकता है ज़रूरत ना ही पड़े। देखिए जो छोटे हमारे पौध थी उनको हमने ऐसे छोटे छोटे गमलों में लगा दिया था। देखिए कितने बड़े बड़े, ये 12 से 13 दिन हो गए हैं इनको लगाए हुए, काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो अभी हम इनको बड़े जो हमारे गमले हैं उनमें शिफ्ट कर देंगे। और मैंने थोड़ी थोड़ी देखिए यहाँ पे प्रूनिंग भी इनकी की थी, जैसे कि गमला थोड़ा बड़ा, पौधा बड़ा हो जाता है ना, उसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर से तोड़ देना चाहिए। तो क्या होता है ना, नई नई ऐसे ब्रांचेस उसकी आने लगती हैं तो फूल उनमें ज़्यादा लगते हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर से आप तोड़ दें सभी प्लांट्स को ऐसे, तो बहुत अच्छे से फिर उनकी जो है टहनियाँ हैं और नई ग्रोथ होती है जिनमें ढेरों फूल लगेंगे। फिर आज हम गार्डन का विंटर गार्डन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांटिंग करेंगे तो थोड़े थोड़े करके लगाते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा जो घास फूस था इन गमलों में वो निकाला है और अच्छे से इसकी गुड़ाई कर दी है। अब मैं थोड़ा सा इनमें ना थोड़ा थोड़ा खाद जो है वो डालूंगी। ये देखिए मेरे पास बर्मी कंपोस्ट है, ये इस गमले में ना थोड़ा बड़ा गमला है, इतने बड़े बड़े 2-3 जगह पर मैं डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फिर बाकी जो है 20-20 दिन बाद और डालते जाएंगे। तो पहले शुरुआत में इतना खाद काफ़ी है। गार्डन की जो शुरुआत है वो हम गेंदे के प्लांट के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने गेंदे के प्लांट जो है वो उगाएंगे। पहले कुछ बीज भी हमने लगाए थे जो हो गए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज देखिए मैं अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेते हैं इसमें। देखिए ये गर्मियों वाले फूल हैं कुछ, तो अभी तो हम इनको निकाल देंगे यहाँ से, तो सभी को साफ कर देते हैं अच्छे से। ये कॉलियस है, सूख गया है, इसे भी निकाल देते हैं। यहाँ पे भी हम खाद डालकर इसे तैयार कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ से जितने भी पुराने प्लांट्स थे वो सब निकाल दिए हैं। पत्ते मैंने इसमें ही रहने दिए हैं, जैसे ऐसे ये भी खाद का ही काम करेंगे। और अच्छे से 2-3 बार, 2-3 ऐसे मुट्ठी उंजले हम इसमें अच्छे से खाद डाल लेंगे। फिर तभी तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाएगी। फिर टाइम टू टाइम हम लिक्विड जो होता है खाद वो भी इसमें डालते जाएंगे। पहले अच्छे से इनकी मिट्टी है जो वो सेट कर लेंगे, और जो हमने खाद डाला है ना वो भी ऐसे पानी डालने से अच्छे से मिक्स हो जाएगा मिट्टी में। और फिर हम जैसे ही ये मिट्टी सेट होगी ना, 1 घंटे के बाद, 1-2 घंटे के बाद ये मिट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी, फिर हम देखते हैं इनमें लगाएंगे प्लांट जो कि सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत फूल हमें देंगे। सभी गमलों में ऐसे पानी लगाते हैं, दूसरी तरफ भी पानी जो है वो लगाने से मिट्टी है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगी। तो फिर अच्छे से प्लांट इनमें चलेंगे। तो आज हम इनको क्या करेंगे, जो हमने बड़े गमले खाद डालकर तैयार किए हैं ना इनको लगाएंगे, उनमें बड़े गमलों में इनको शिफ्ट कर देते हैं। चलिए करते हैं शिफ्ट। फिर पहले ऐसे गमले में थोड़ा सा खड्डा बना लें और फिर इस गमले में से हम इस प्लांट को निकालेंगे अच्छे से, थोड़ा सा ऐसे डप डप करके ना फिर इसको निकालें, अच्छे से निकल जाएगा।
ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स इसकी बनी है, ये देखिए काफी हेल्दी प्लांट है ये, और इसको यहाँ पे लगा देंगे ऐसे करके। छोटे जो पॉट्स होते हैं ना, इनमें हम प्लांट्स को, पनीरी को क्यों लगाते हैं, पहले पहले ही इसमें क्यों नहीं लगाया, उसका कारण एक ये भी रहता है कि ये रूट्स है जो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं छोटे पॉट में, और इनको ना जो खाद खुराक है वो अच्छे से दी जाती है। ऐसे जब हम हमने इसमें दोबारा फिर से डाली है तो पौधे की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो पौधे को हमेशा ही पहले छोटे पॉट्स में लगाइए और बाद में बड़े गमलों में शिफ्ट कीजिए। ये हमारा जो गमला है काफ़ी बड़ा है, इसलिए हमने इसमें तीन पौधे लगाए हैं। ये देखिए तीन लगाए हैं, आप गमले के हिसाब से लगा लें। जैसे कि 12 इंच का जो पॉट होता है उसमें एक ही प्लांट ठीक रहता है, क्योंकि उसको फिर खाद खुराक भी अच्छी मिलेगी, तो इसमें जगह काफ़ी है और खुराक भी अच्छी मिलेगी इनको, इसलिए मैंने तीन लगा दिए हैं, तीन काफ़ी हैं। अभी देखिए चार गमले जो हैं बड़े गमले वो मैंने तैयार किए थे, कर दिए हैं, प्लांट मैंने लगा दिए हैं। काम अभी बहुत बाकी है, वो चलो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी, तो आपको जो अपडेट है वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं देती रहूँगी, जैसे कि मैं इनमें कौन कौन सा खाद डाल रही हूँ और कैसे इनकी प्रूनिंग कर रही हूँ, वो मैं अपडेट आपको देती रहूँगी। तो जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको तो पता है मेरे किचन ब्लॉग होते हैं ज़्यादातर, तो आजकल गार्डन के भी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।